किचन में मौजूद हैं, तो यहाँ पे चेक भी करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और कैसे बन रही हैं। तो माशाल्लाह कैमरे में आप देख सकते हैं काफ़ी इधर इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये इधर ये क्या बन रहा है जी? माशाल्लाह जी, ये बिरयानी बन। अच्छा, ये कितने किलो आप बिरयानी बना रहे हैं जी? 10 किलो बना रहे हैं। अच्छा, 10 किलो बना रहे हैं। तो ये एक दिन में मुकम्मल ख़त्म हो जाती है? ये 3-4 टाइम बनती है। अच्छा, 3-4 टाइम बनती है 10 किलो दिन में, तकरीबन 30 किलो बिरयानी यहाँ पे बनती है जी। अच्छा माशाल्लाह, ये क्या चीज़ तैयार हो रही है जी? ये चिकन तैयार कर रहे हैं समोसों के लिए। अच्छा, समोसों में ये हमारी स्पेशल रेसिपी है जो चिकन। अच्छा, स्पेशल। इसमें क्या क्या चीज़ आपने डाली है? इसमें कुछ सीक्रेट है वो तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या ये बिरयानी के लिए चिकन फ्राई किया होगा, ये बिरयानी में पड़ेगा। तो ये साथ क्या क्या? ये चना चाट रेडी होने लगी है माशाल्लाह, ठीक है। तो आगे फ्रूट वगैरह पड़ा है, फ्रूट चाट भी बनाते हैं? जी जी, फ्रूट चाट भी बनाते हैं। ये दिन थोड़ी थोड़ी करके बनाते हैं, मकदार एक बार ही बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी करके तैयार करते हैं। चना चाट का भी यही है, थोड़ी थोड़ी करके तैयार करते हैं। कौन तैयार करता है? आपने इसको स्पेशल कारीगर रखे हुए हैं? बस लड़कों की ड्यूटी है, ठीक है। बिरयानी वगैरह मैंने रेडी करनी है, चाट ये जिशान लड़का हमारा, ये सबसे पुराना लड़का है, ठीक है, इसे रेडी करना है। समोसों का काम ये करते हैं। समोसे सुना कि आपकी शॉप के समोसे बहुत मशहूर हैं, जो आप मशहूर ब्रांड, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मशहूर समोसे, और जिनके हाथ का टेस्ट है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनके नाम भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरूक है। तो आप ये इसकी नवाई के जो कह रहे हैं कि टेस्टी कारीगर हैं, इनके हाथ में बहुत ज्यादा टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बनाते हैं समोसे? जी हाँ। आज चीज समोसों में डालते हैं, रेसिपी जो है आपकी सीक्रेट है, ये शेयर करेंगे हमारे साथ? नहीं, ये नहीं, हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये इनकी सीक्रेट रेसिपी होती है, ये हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ ये टेस्ट करा सकते हैं। आप यहाँ पे आए और ख़ुद टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा ये कैसी रेसिपी तैयार होती है। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये भाई साहब बिरयानी बना रहे हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सके ये कैसे बिरयानी तैयार हो रही है, और अभी इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिरयानी आप कितने किलो की, ये देखा बनाया हुआ आपने? ये 10 किलो। अच्छा, ये 10 किलो बिरयानी की देखा, जो कितने लोगों को सर्व हो जाती है जी? ये तकरीबन सर 110-120 लोगों को। माशाल्लाह जी, यहाँ पे कुछ कस्टमर भी बैठे हैं, वहाँ भी चलते हैं उनके पास, उनसे पूछते भी उनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे आने का और क्या चीज़ उन्होंने ऑर्डर की है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अपनी सुनाओ, तो कहाँ से आप आए हैं? मैं तो बेसिकली पिशावर से हूँ। अच्छा, लेकिन इधर जितने भी मैंने खाने का है ना, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इधर मैं मीरपुर में बहुत जगह का है, लेकिन इधर का जो टेस्ट है ना, किसी जगह भी नहीं मिला इस तरह टेस्ट। तो अभी आपने क्या चीज़ ऑर्डर किया है? अभी समोसा चाट ऑर्डर किया है, लेकिन बेसिकली डेली हम आते हैं इधर, बिरयानी खाते हैं। हम बहुत जगह पे गए, लेकिन उसका जो है ना, मतलब टेस्ट उस तरह इस तरह नहीं है जो इस तरह इधर टेस्ट है। स्पेशल बिरयानी खाने के लिए आप आए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। ये आपने ये कौन सी चाट ऑर्डर की है? ये समोसा चाट ऑर्डर की है। अच्छा, ये मैं खा लूँ? जी बिल्कुल खाएँ जी। ये इनके लिए जी, ये हम नहीं खा सकते। नहीं नहीं, तो इनसे पूछते हैं ये इन्होंने इसमें क्या चीज़ ज़्यादा इनको पसंद है यहाँ पे, किन वाय में आपको कौन सी ज़्यादा चीज़? इनका मेयार समोसे का मेयार अच्छा है, इनका चाट का मेयार भी अच्छा है, इनका डिस्पोजेबल हर चीज़ इनकी अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है इनकी। माशाल्लाह जी, ये यहाँ पे हमारे भाई थे जो डेली यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ये खाते भी हैं। और आप देखने वालों को क्या हमारे लोगों को पैगाम देंगे? देखने वालों को ये पैगाम देते हैं कि आप इंशाल्लाह ज़रूर आएँ, यहाँ का मियार चेक करें, इंशाल्लाह आप दोबारा भी यहीं भी आएंगे, मीरपुर छोड़ के यहीं भी आएंगे, F3 में आएंगे तकरीबन। माशाल्लाह जी, अभी आप इंजॉय करें, अपनी चाट खाएं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, तो आप वीडियो में तो आपको नहीं आ रही, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये यहाँ पर पकौड़े तैयार हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई यहाँ पे पकौड़े तैयार करें। इनसे पूछते हैं ये कितने किलो पकौड़े होते हैं और किस हिसाब से कौन सी क्वांटिटी कितनी होती है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं ये कितनी क्वांटिटी में हम डेली बनाते हैं? ये तकरीबन 20 से 25 किलो हम डेली में बनाते हैं। अच्छा, 20 से 25। अगर मौसम थोड़ा ठीक है, अच्छा ठंडा है, तो फिर 40-50 किलो भी चले जाते हैं। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। लेकिन कैमरे में अगर देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कड़ा तैयार है, तो ये समोसे बना रहे हैं, कितने प्यार और नफीस तरीके से तैयार कर रहे हैं। ये इनके स्पेशल कारीगर जो आपको हमने आगे वीडियो में भी दिखाए हैं। हम यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे थे,
एक हमारे छोटे भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं जी मुझसे भी पूछें कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। तो माशाल्लाह ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कयूम। मोहम्मद कयूम साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी यहाँ के रहने वाले। अच्छा ये बताएं कि आप पढ़ते भी हैं? जी जी मैं साथ में पढ़ रहा हूँ, मैं साथ में माशाल्लाह जी ये नौजवान हमारी वीडियो से देख के ये इस पर आप सबक भी हासिल कर सकते हैं। ये नौजवान साथ पढ़ता भी है और साथ काम भी करता है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा आप क्या चीज़ बनाते हैं? मैं इसके अलावा बर्गर और शवारमा बनाता हूँ और चिकन चिप्स मलाई बर्गर ये। अच्छा वो सब कुछ आप बनाते हैं? जी जी माशाल्लाह जी ये देख सकते हैं जी। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18 साल है। माशाल्लाह ये 18 साल नौजवान अभी ये अपनी वो एज को पहुँचे है तो इतने कुछ ये बना भी सकता है और ये काम भी कर रहा है। तो नौजवानों के लिए ये पैगाम है आप घर बैठ के मायूसी ना करें, आप मेहनत करें, मेहनत करके आप अपना कारोबार स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आते हैं, आपको इनका टेस्ट पसंद है या क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये बताएं कि आपने क्या चीज़ ऑर्डर की है यहाँ पे? मैंने पापड़ी चाट ऑर्डर की थी अभी। तो स्पेशली आप आते हैं यहाँ पे? हाँ स्पेशली आते हैं, एक तो टेस्ट अच्छा है और दूसरा मेयार भी सफाई सुथराई के लिहाज से भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। माशाल्लाह जी ये थे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर आते हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इनका मेयार भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है, ज़बरदस्त जी। अच्छा जी माशाल्लाह आपने यहाँ पे देखे हैं समोसे कैसे तैयार हैं, यहाँ पे जो बंदा समोसे तैयार कर रहा है उसके पास चलते हैं, उनसे पूछें ये कैसे समोसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी आप? मैं ठीक ठाक हूँ सर। तो ये आप समोसे आप तैयार करते हैं यहाँ पे? जी मैं तैयार करता हूँ। तो कितने अर्सा से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 5 साल से। फिर मैं आप इस कड़ा में रखते हैं समोसे को? सिर्फ 4-5 मिनट। 4-5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा ये जो आपने कड़ा में कितने समोसे डाले हुए हैं? ये 70-80 डाले हैं। तो हम दिन में 2000 या 2500 समोसा निकाल लेते हैं। माशाल्लाह जी एक दिन में 2000-2500 समोसे यहाँ से डेली में तैयार होते हैं और स्पेशली ये समोसे ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है। बैठे सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये आपने इतना तकल्लुफ क्यों कर? नहीं नहीं आपको चेक करना पड़ेगा ना अभी, बताएं हमें फीडबैक दें कि कैसा बना ये। तो क्या क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ आपने? ये चिकन शॉर्मा है। ठीक है ठीक है। ये स्पेशल हमारा ये चिकन बर्गर है, ये चिकन मुगलाई बर्गर है, स्पेशल है चिकन, ये बोनलेस चिकन का रेडी होता है जो स्पाइसी होता है थोड़ा। माशाल्लाह जी जो जितनी भी इनकी स्पेशल आइटम्स हैं ना इन्होंने सब हमारे सामने रख दी हैं। तो इन्होंने क्या कि फैसला अब आपने करना है ये कैसी हैं, हम खा के चेक भी करेंगे फिर आपको बताएँगे भी ये कितना टेस्ट है इनको। तो आप हमारी वीडियो देखें उसके बाद हम इन्जॉय करते हैं अपनी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया आपका सर, आप इधर आए, आपको तकलीफ दी, अपने टाइम निकाला अपने हमारे लिए, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं चिकन मुगलाई चेक करता हूँ इनका ये कैसा है। माशाल्लाह ये देखने में बहुत ही लजीज लग रहा है तो खाने के बाद ये पता चलेगा कितना एक लजीज है। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त मुगलाई, जो मुगलाई से मुराद इसलिए इससे कहा जाता है जो मुगलिया दौर बादशाह का दौर था ना ये वहाँ से रेसिपी आई है, इसका नाम आगे ये पड़ गया। माशाल्लाह ये है भी शहनशाहों की तरह है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम मज़ीद और चेक करते हैं आगे, इन्होंने ये चिकन चिप्स रखा हुआ है। आपने भी आना है, आप देख सकते हैं मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हैं खाने के, इस वक्त मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा ही पानी आया हुआ है तो मैं कह रहा हूँ मैं बात ना करूँ बस खाता ही रहूँ। चिकन चिप्स इनके चेक करते हैं। माशाल्लाह जी अमर साहब ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चिप्स हैं, आयल भी बहुत कम है इसमें। तो ये भी आपको स्पेशल तरीका है जो स्पेशल है ये मैं खुद रेडी करता हूँ, जो चिकन है ये स्पेशल है हमारा वो ये तवे पे रेडी होता है। अच्छा। ठीक है स्पेशल आइटम है ये हमारा। माशाल्लाह जी देखें कोई इतना ज़्यादा इसमें आयल नहीं पड़ा, हर चीज़ परफेक्ट पड़ी हुई है, ज़बरदस्त जी बहुत बहुत। तो आप वीडियो इन्जॉय करें तो हम अपनी बाकी चीज़ें इन्जॉय करते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी ये हम आज हमारा व्लॉग थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा जो हमारे बनाते हैं हम डेली उसके आर्ट के व्लॉग था, आज हमारा
फ़ास्ट फूड के रिलेटेड, हमने कहा कि आपको फ़ास्ट फूड की दुकान पे लेके चलते हैं, वहाँ का टेस्ट भी चेक करवाते हैं। तो इसी के साथ मैं आप तमाम देखने वालों से इजाज़त भी चाहूँगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखी, और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।